जैसे कि आपने मेंशन किया कि कमोडिटी मार्केट भी अपने आप को कहीं ना कहीं दायरे में संभालने की कोशिश कर रहा है। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। स्क्रीन्स पर नजर डालिए, FIIs की यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें तो बिकवाली देखने को मिली है कैश मार्केट्स में 124 करोड़ के आसपास। वहीं जब घरेलू संस्थागत निवेशकों की हम बात करते हैं यानी कि DIIs, इनकी तरफ से हमने नेट बाय आता हुआ देखा यानी कि खरीदारी कैश मार्केट में दिखी है 482 करोड़ की। चलिए तो जिस प्रकार के संकेत हमें फिलहाल मिलते हुए दिख रहे हैं, ऑल इन ऑल हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। हमने देखा, जैसे कि दीपांशु भी बता रहे थे कि कल हमने गिरावट जरूर अमेरिकी मार्केट्स में देखी लेकिन अच्छी खासी रिकवरी लेकर बंद हुआ और हमारे मार्केट्स ने तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, रुपया तगड़ा बंद हुआ है। सर बताइए आज किस प्रकार का मूड मिजाज रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या ट्रेडिंग रेंज होगी? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल ज्यादा होते हुए दिखे हैं, हालांकि क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है जितनी कि अगर आप शाम को ट्रेड देखते हैं। अमेरिका में तो थोड़ा मामला ढीला था लेकिन स्मार्ट रिकवरी हुई है और लगभग सारे फ्रंट पर रिकवरी होती हुई दिखी है। बॉन्ड यील्ड्स भी गिरकर थोड़ी सी सुधर गई, बढ़कर थोड़ी सी कम हो गई, वापस 1.8 पर जाकर 1.75 पर आ चुकी है। कच्चा तेल भी $81 के आसपास है और बाजार उतने खराब बंद नहीं रहे, नैसडेक पर तो आप खरे निशान में बंद हुए हैं, डाओ भी काफी कुछ निचले स्तर से 400-500 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ है। तो ओवरऑल ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पर बुरे नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो डर जो है अमेरिकी बाजारों का, ग्लोबल मार्केट का, भारतीय बाजारों पर रहेगा कि उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ऐसे में हम जहाँ बंद हुए कल निफ्टी पर स्पेशली 18,000 के बेहद करीब बड़ा लेवल है, मनोवैज्ञानिक स्तर है। 18,000 के लेवल पर पोजिशन भी काफी बनी हुई है, जाहिर सी बात है आज हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है लेकिन इस कमजोरी में खरीदारी का मौका मिलेगा आपको क्योंकि भारतीय बाजारों का ट्रेंड अच्छा है। FIIs की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी है, ट्रेडर्स पूरी तरह से एक्शन में है ही। ऐसे में 17,875 ये 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेंगे। इस रेंज में अगर आज बाजार आपको मिलता है तो वहां पर खरीदारी करने के मौके बनेंगे। ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर 18,025 को पार करके टिके, फिर 18,075-18,150 रेंज वो होगी जहाँ पर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आपकी भी नजर आएगी, तो ये हायर साइड पर आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली 38,350 के आसपास बंद होकर ज्यादा मजबूती दिखा रहा है और इसीलिए बैंक के लिए सपोर्ट रेंज भी काफी दूर है, 38,000 से पहले कोई सपोर्ट है नहीं, तो 38,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट बनता है। ऐसे में जो आपके लिए रेंज लेनी है जहाँ पर खरीदारी का मौका बन सकता है वो 37,700 से 37,900 की रेंज है। अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको मिलता है तो वहाँ पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 38,450 से 38,650 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है, एक बार उसको पार करेंगे तो फिर 39,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो ग्लोबल मूड माहौल को देखकर और हमारे फैक्टर्स को देखते हुए जितना ज्यादा बड़े गैप के साथ अगर भारतीय बाजार शुरुआत करते हैं तो उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा खरीदारी के लिए आपके मौके होंगे। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और जब तक 17,800 के नीचे अब निफ्टी वापस बंद नहीं होता तब तक आप बाय ऑन डिप्स रख के लॉन्ग पोजिशन बनाते रहिए। जी